नमस्कारम। आज जो हम गेम देखने वाले हैं अभी वो हैस्टिंग मास्टर्स में हुआ था। 8th राउंड में दो इंडियन ग्रैंड मास्टर थे, दीपसेन गुप्ता और मगेश चंद्रन। मगेश चंद्रन की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर वो अभी जहाँ तक मुझे पता है US में रहते हैं, लेकिन इस राउंड में 8th राउंड में, जो कि मुझे लगता है टूर्नामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड था उनके लिए, क्योंकि लास्ट राउंड में उन्होंने, मैंने जो रिजल्ट देखे थे तो स्टैनी से उन्होंने ड्रॉ कर लिया था, और इस गेम में उन्होंने बहुत अच्छा खेला था ब्लैक से। अगर हम ओपनिंग नाम की जो नेम्स होते हैं उनकी बात करें तो 2 नाइट डिफेंस हुआ था इस पर्टिकुलर गेम में, लेकिन अगर मैं बात करूं नाम की तो डेफिनेटली इस ओपनिंग का नाम 2 नाइट अटैक होना चाहिए था 2 नाइट डिफेंस की जगह, क्योंकि बहुत सारे अटैकिंग गेम्स होते हैं इस ओपनिंग में। तो हम लोग क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं। जो गेम स्टार्ट हुआ वो e4 e5 नाइट टू f3 नाइट टू c6 बिशप टू c4 नाइट f6। अगर आपको जो मेन लाइन जो इटालियन का या गायकोपियाना का जो है जिसमें bc5 खेलते हैं वो नहीं खेलना है तो आप 2 नाइट डिफेंस एक बहुत अच्छा चॉइस है आपके लिए। नाइट g5 खेला है यहाँ पे मेन लाइन में गए, अदरवाइज बहुत सारे गेम्स में आजकल d3 खेलते हैं, और जो कि क्लोज गायकोपियाना में बाद में आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप बिशप c5 या बिशप e7 जाते हो आप तो c3 एक पॉपुलर वेरिएशन है जिसमें कि बहुत सारे गेम्स होते हैं आजकल, लेकिन नाइट g5 खेला है यहाँ पे दीपसेन ने। d5 ओनली ऑप्शन था, ईकट d5 नाइट a5 बिशप b5 खेला है यहाँ पे c6 b कट c6 बिशप e2। अगर हम बात करें सेवेंथ मूव की b कट c6 वाली पोजीशन की तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं वाइट के पास। bd3 जा सकते हो आप, क्वीन f3 आ सकते हो, बिशप a4 भी जा सकते हो आप, तो ये बहुत पॉपुलर वेरिएशंस है इसमें। लेकिन गेम में बिशप e2 खेला था। अगर हम इस पर्टिकुलर लाइन की बात करें आफ्टर h6 और नाइट h3, तो जो पुराने मुझे कुछ गेम से याद है तो इस पर्टिकुलर वेरिएशन के लिए मुझे हमेशा एक गेम ध्यान रहता है कि बिशर का एक नाइट h3 पे इसी लाइन पे हुआ था गेम, जहां पर उन्होंने अलाउ किया था बिशप इनटू h3 एक्चुअली गेम में। वो भी गेम हम देखेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर एक्चुअली बिशप c5 खेला ब्लैक ने, मगेश ने, और नाइट h3 के बाद हाल ही में एक गेम हुआ था इंडिया में 2019 में टाटा स्टील में, एरोनियन और डिंगलेरिन का, जहाँ पे उन्होंने bd6 खेला था। bd6 के बाद d3 खेला यहाँ पे वाइट ने, कैसल्स, नाइट c3, नाइट b7। अभी आप देख सकते हैं कि ब्लैक जो है वो रीग्रुप कर रहा है पीसेस को। नाइट c5, नाइट e6 आ सकता है, जिसमें आप बाद में नाइट d4 जा सकते हो या नाइट f4 आ सकते हो। तो कैसल किया, नाइट c5, किंग h1, और यही एक प्रॉब्लम होता है इस पूरे लाइन में कि अगर आप नाइट g5 जाके नाइट h3 लेते हो तो बाद में आपको नाइट g1 जाके नाइट f3 रीग्रुप करना बहुत ज़रूरी है, और इसी एक पॉइंट के कारण मुझे लगता है ये लाइन इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है हाई लेवल पे। आपको गेम्स मिलेंगे लेकिन रेगुलर इस पे इतने गेम्स नहीं मिलेंगे। तो किंग h1 खेला यहाँ पे, और ये एरोनियन और डिंगलेरिन का गेम हुआ था। हालांकि इस गेम में bc5 खेला था नाइन्थ मूव पे ब्लैक ने, और आफ्टर bc5 यहाँ पे d3 खेला व्हाइट ने, कैसल किया दोनों ने, कैसल और नाइट b7। यही डिंगलेरिन ने भी किया था, क्योंकि बाद में आप नाइट d6 ले सकते हो उसमें या नाइट c5 जाके भी खेल सकते हो आप। तो नाइट b7 को एक्चुअली जो फिशर का गेम हुआ था वहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कैसलिंग के बाद मूव ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन बिशप h3 खेला था यहाँ पे ओपोनेंट ने, और आफ्टर g कट h3 क्वीन d7 खेला, बिशप f3, क्वीन इनटू h3, नाइट d2, रुक a d8, और यहाँ पर bg2 खेला था, जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो बिशप है वो बाद में शिफ्ट हो गया था g2 पे। नॉर्मली जब हम g2 पे बिशप रखते हैं तो g3 पे पॉन रहता है, तो फेंचर टू बिशप तब अच्छा मानते हैं, लेकिन इस पोजीशन में g3 का पॉन नहीं है तो जो ये जो शेल्टर नहीं है उसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वाइट को। लेकिन डेफिनेटली इसमें देखा जाए तो जो गेम में बाद में रिजल्ट है वो फिशर इसमें जीत गया था गेम। हम इस गेम को पूरा नहीं देखेंगे जो फिशर का गेम हुआ था, लेकिन इस पोजीशन में जहाँ पे 11th मूव पे बिशप इनटू h3 मारा था वहाँ पे कैसलिंग के बाद नाइट b7 खेला ब्लैक ने इस गेम में, नाइट c3 आए, bd4, किंग टू h1, अभी आप देख सकते हैं फिर से वही नाइट g1 और नाइट f3 आ रहा है जो कि एरोनियन और डिंगलेरिन के गेम में हुआ था, नाइट d6 खेला यहाँ पे, नाइट g1, रुक e8, नाइट a4, नाइट f5। अब यहाँ पे नाइट f5 के बाद हो सकता है कि कभी नाइट d4 भी आ सकते हो आप बिशप रिमूव करके, यहाँ पे नाइट h4 एक मेन ट्राई हो सकता है। तो नाइट f3 खेला यहाँ पे, बिशप a6। डेफिनेटली बिशप a6 का जो मेन आइडिया है वो यही है कि आप फ्यूचर में कभी e4 खेल के बिशप इनटू e2 मार सकते हो,
और बाद में रुक e4 या नाइट इनटू e4 आ सकते हो। सो यहाँ पे नाइट इनटू d4 मारा, क्वीन इनटू d4, पीसेस को गेम में लाना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब आपको लगे कि आपके पास एक अटैकिंग पोजीशन है तो अपने मेजर पीसेस को आपको किंग, जो अपोनेंट का किंग है उसके यहाँ रखना चाहिए ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो और चांसेस बनते रहे। तो c3 खेला यहाँ पे, क्वीन d6, अभी आप देख सकते हो कि d3 वीक है और a4 का नाइट जो है वो इजीली गेम में नहीं आ रहा है। तो बिशप e3 खेला यहाँ पे, रुक a d8, ये एक बहुत अच्छा मूव लगा था मुझे क्योंकि आप a7 आप देखे और d3 मारने की बजाय उन्होंने एक बहुत अच्छा मूव खेला था क्योंकि जैसे ही आप बिशप इनटू a7 मारा उन्होंने, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे आप मटेरियल वर्सेस एक्टिविटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइट जो है वो मटेरियल अप है लेकिन एक्टिविटी डेफिनेटली ब्लैक के पास है। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे लगता है सिचुएशन होता है किसी चेस प्लेयर को समझने के लिए। तो यहाँ पर e4 खेला, हालांकि बिशप इनटू d3 भी जा सकते थे बट e4 खेला यहाँ पे क्योंकि इसको जैसे ही आप d4 आते हो तो बिशप इनटू e2 मार दिया और बिशप इनटू e2 को क्वीन इनटू e2 आया और h5 का जो आइडिया है मेनली वो नाइट g4 और h2 पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसमें। और मुझे लगता है डायरेक्टली नाइट g4 खेलने के अलावा एक और अच्छा चांस हो सकता है कि आप क्वीन f4 जाके मे बी क्वीन h4 भी आ सकता है और फिर नाइट g4 जा सकते हैं जिसमें आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे अटैकिंग चांसेस हैं यहाँ पे ब्लैक के लिए। तो bc5 खेला, क्वीन पे थ्रेट है, क्वीन f4 आए, मुझे लगता है क्वीन b8 भी शायद पॉसिबल था लेकिन डेफिनेटली क्वीन f4 का आइडिया ये है कि क्वीन h4 भी जा सकते हैं बाद में और किंग साइड में पीसेस रखना बहुत सही लगता है एक्चुअली जब आप अटैक कर रहे हैं। तो नाइट b6 खेला यहाँ पे, मुझे लगता है वाइट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं अभी अपने क्वीन साइड के पीसेस को शिफ्ट करना किंग साइड में डिफेंड करने के लिए, और भले ही आप एक दो पॉन अप हो उसमें लेकिन ये जो टाइम जा रहा है इसमें वापस से रीग्रुप करने में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वाइट के लिए क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा पीसेस आते जा रहे हैं, स्पेशली कुछ कंडीशन में आप रुक e6, रुक g6 या h6 भी जा सकते हो। तो इस रुक लिफ्ट के बाद मुझे लगता है 1 2 दो माइनर पीस भी हैं, 4 और 2 पॉन, मतलब 6 पीसेस हमारे ओवरऑल देखे तो अटैक करने के लिए। और डिफेंडर्स की अगर हम बात करें तो 1 2 और मे बी क्वीन अगर हम पकड़े तो 6 vs 3 या मे बी f2 को भी अगर हम पकड़ते तो 6 vs 4 जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है वाइट के लिए। YouTube पे अगर आप देखेंगे तो एक कस्परो का एक 8 या 9 मिनट का एक वीडियो अवेलेबल है कैलकुलेशन का, उसमें कस्परो अपने गेम को एनालिसिस करते हुए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि ये फॉर्मेशन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम अटैक करते हैं। तो डेफिनेटली आपको वो देखना चाहिए बट इस वीडियो के बाद। तो यहाँ पर क्वीन h4 खेला ब्लैक ने और क्वीन h4 को अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे, नाइट g4 एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकती है लेकिन यहाँ पर किंग g1 खेला और किंग g1 के बाद यहाँ पे और खासी इसके बाद एक्चुअली क्वीन h4 के बाद और एक ऑप्शन भी हो सकता है कि आप e3 भी खेल सकते हो क्योंकि उसमें पॉन टेक्स के बाद रुक इनटू f4 का जो थ्रेट था वो भी अभी नहीं रहा है। तो रुक e6 खेला यहाँ पे, एक बहुत अच्छा मूव था कि आपको और ज़्यादा पीसेस लाने चाहिए इधर और इस रुक लिफ्ट के बाद मुझे लगता है बहुत सीरियस इश्यूज लग रहे हैं वाइट को यहाँ पे। तो नाइट c4 खेला यहाँ पे, पीसेस को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है वाइट की किंग साइड आ जाए, नाइट d5 आए और नाइट d5 के बाद डेफिनेटली इस नाइट को यहाँ से हटाना ज़रूरी था इफ़ यू वांट टू प्ले रुक टू g6 और h6 और नाइट f4 भी एक बहुत अच्छा मूव आ सकता है इसके बाद। g3 खेला यहाँ पे, क्वीन पे थ्रेट है और नाइट f4 भी स्टॉप किया लेकिन लाइट स्क्वेयर्स अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो क्वीन h3 खेला, किंग h1 और h4, एक हिसाब से देखा जाए तो वाइट बहुत सारे कंडीशन में पैरालाइज्ड लग रहे हैं किंग साइड में क्योंकि जिस हिसाब से वाइट मूव्स वेस्ट कर रहे हैं, मतलब किंग g1 और किंग h1 खेलना पड़ा है, भले ही वो फोर्स्ड हो लेकिन अगर आपके डिफेंडर्स इस साइड शिफ्ट नहीं होंगे तो डेफिनेटली इस पोजीशन में मेटिंग अटैक लगने वाला है। तो यहाँ पे रुक g1 खेला h4 के बाद और अब देख सकते हैं h4 के बाद h5 ओपन हो रहा है, रुक h6 आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन लग रही है वाइट और ब्लैक के लिए। रुक g1 खेला यहाँ पे, रुक h6 और डेफिनेटली आप देख सकते हो कि अभी जो थ्रेट है वो h कट g3 और क्वीन h2 मेट हो रही है तो उसको एक्सचेंज करने के लिए क्वीन को यहाँ पे क्वीन f1 खेला और मैं चाहूँगा यहाँ पे आप रुक के थोड़ा चेक करें कि एक्चुअली क्या हुआ था क्योंकि जिस हिसाब से ये गेम फिनिश हुआ
मुझे लगता है, और बहुत सारे इस टूर्नामेंट में एक्चुअली बहुत स्ट्रांग प्लेयर्स खेल रहे थे, मैंने देखा था लिस्ट में कि और मगेश चंद्रन ने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स को भी हराया था इसमें, इस टूर्नामेंट में, तो एक अच्छा रिजल्ट रहा था उनके लिए, और खासकर ये एक क्रूशियल गेम था, इम्पोर्टेंट गेम था उनके लिए इस टूर्नामेंट में, और इसको जीतने के बाद शायद वो ऑलमोस्ट श्योर थे, तो लास्ट राउंड उन्होंने स्टेनी से ड्रॉ कर लिया था। वो गेम मैंने एक्चुअली पूरा नहीं देखा था, लेकिन ओवरऑल मुझे लगा कि ये एक एट्थ राउंड जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था उस टूर्नामेंट के लिए। तो यहाँ पर आपने चेक कर लिया होगा शायद कि क्वीन एच टू आ रहा है, और क्वीन एच टू के बाद यहाँ पे शायद रिजाइन कर दिया था उन्होंने, क्योंकि मेरे डेटाबेस में यहाँ तक ही मूव थी। लेकिन अगर हम क्विकली देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंपली मेट हो रहा है, क्योंकि किंग एच टू को एच जी थ्री आ रहा है, और किंग जी टू फोर्स्ड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रुक एच टू आ रहा है और ये फोर्स मेट हो रही है। तो बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने फिनिश किया इस राउंड को, और जो उनका मुझे लगता है एक भी गेम हारे नहीं वो, एक और अच्छी बात थी। और इस पर्टिकुलर इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा था, हालांकि उतना रेगुलरली आजकल वो खेलते नहीं है, जब भी मैं टूर्नामेंट्स चेक करता हूँ तो, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस गेम में उनका क्वालिटी बहुत ही अच्छा था, और बाकी गेम्स भी हम देखेंगे कि और अच्छे अगर कोई गेम्स हुए उनके तो डेफिनेटली एनालाइज करेंगे। और आपके पास अगर कोई सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हो, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको देखें, और देखते हैं कि कितना अच्छे से हम लोग चेस को शेयर कर सकते हैं, मैं बोलूँगा, क्योंकि आप बहुत बार कोई दूसरे के वीडियो से या और कोई इन्फॉर्मेशन से भी आपको सीखने मिलता है। तो डेफिनेटली मिलेंगे बहुत जल्दी, कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा जो भी अच्छे गेम्स हुए हैं उनको हम लोग शेयर करें, और आप मुझे बता भी सकते हैं उसके बारे में। तो मैं इसके बाद आप मुझे रिव्यू भी दे सकते हैं कि अगर आप कमेंट्स में कि आपको अगर कैसा लगा ये, और डेफिनेटली और हम वीडियोस देखेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।